जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एपिसोड नंबर 3 आईआर का हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम और भी यूनिक थिंकर्स कवर करेंगे। आप ऑलरेडी जिन्होंने 2 एपिसोड नहीं देखे हैं वो देख लेना, और दो आप वो नहीं देखोगे ये भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, ठीक है। वहाँ पर अलग थिंकर्स हैं और आज के लेक्चर में अलग थिंकर्स हैं, बट वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वो आपको एक एज देगा दूसरों से, जो थिंकर्स दूसरे नहीं पढ़ के जाते या जो बुक्स नहीं कवर करते और वहाँ से वो क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि वो 2-3 मार्क्स से JRF या नेट क्लियर हो जाए, है ना। तो हमें तो सब कुछ पढ़ना है, और इसके अलावा जिसने ओपी गाबा, एंड्रयू हेवर्ड और डैनियल कर्मानी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं देखा है उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। प्लस मैंने आईआर की भी प्लेलिस्ट बना दी है। आज का लेक्चर और एक और लेक्चर होगा, तो 2 लेक्चर में हम बाकी 2 लेक्चर्स में हम आईआर फिनिश कर देंगे और फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट थिंकर, दैट इज बेल हुक्स। बेल हुक्स जो है, इनके बारे में एक PYQ में भी क्वेश्चन आ रखा है, कहाँ से आया था अभी बताती हूँ। और बेल हुक्स का जो दूसरा नाम है, उनका जो पेन नेम है वो, मतलब बेल हुक्स उनका पेन नेम है, जिसे आप बहुत सारे लोग पेट नेम बोलते हैं, वो पेट नेम नहीं होता, वो पेन नेम बोलते हैं। तो ग्लोरिया वैटकिंस इनका रियल नाम है और इनको प्यार से बेल हुक्स बुलाया जाता था, ठीक है। तो अगर ग्लोरिया वैटकिंस पे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब सेम बेल हुक्स की ही बात हो रही है। इन्होंने रेस, क्लास और जेंडर के इंटरसेक्शन पे बात की थी, इन सारे एरियाज को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। तो जहाँ पर रेस, क्लास और जेंडर की बात आ रही है, और अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रही हैं तो आप इन पर टिक कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो रेस, क्लास, जेंडर के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में भी लास्ट 2 थिंकर्स पढ़े थे, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, जैसे गार्गी भट्टाचार्य हैं, रॉबी शेलम है, सेडरिक रॉबिन्सन है, ये सारे किसके थ्योरिस्ट हैं, रेस और क्लास के थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। रॉबिन्सन और रॉबी शेलम और भट्टाचार्य, इन तीनों की मैंने आपको ट्रिक भी याद करा दी थी। और रेस, क्लास के बाकी और थिंकर्स कौन आते हैं, बेल हुक्स आती हैं, जे एन टिकनर आते हैं जो कि फेमिनिस्ट है। अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या है, बेल हुक्स की बुक का नाम है, या फिर ग्लोरिया वैटकिंस बोले तो, एंट आई अ वुमेन, क्या मैं वुमेन नहीं हूँ, तो ये उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट में लिखी थी। देन फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, देन टीचिंग टू ट्रांसग्रेस एंड फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी, दैट वॉज अ PYQ जो पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, फेमिनिज्म फॉर इज फॉर एवरीबडी, फेमिनिज्म सबके लिए है, तो बेल हुक्स ने बोला था, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे करो कि आप बेल बजाते हो और बेल बजाते ही आपको सारे लोग आ जाते हैं, मतलब एवरीबडी, सारे जितने भी लोग हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर है वो सारे आ जाते हैं बेल बजाते ही। तो फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी। मार्जिन टू सेंटर, तो मार्जिन टू सेंटर इनकी बुक है, फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। तो अब जैसे आप बेल बना के देख लो, ठीक है, ऐसा बेल बना दी, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये क्या, इसकी मार्जिन है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन हो गई और ये सेंटर हो गया, तो हमने बेल से याद कर लिया इसको। टीचिंग टू ट्रांसग्रेस हो गया, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और एंट आई एम वुमेन, तो ग्लोरिया वैटकिंस कहती है कि क्या मैं वुमेन नहीं हूँ, तो आपको ऐसे याद रखना है कि वो कहती है कि क्या मैं वुमेन नहीं हूँ, क्या मैं बेल नहीं बजा सकती, क्या मैं हुक नहीं कर सकती, तो वैसा वाली चीज़, ऐसा कुछ भी याद कर लेना। देन जे एन टिकनर के आपको पता है, उन्होंने मॉर्गनथॉ के जो 6 प्रिंसिपल्स थे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। ऑल्दो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मॉर्गनथॉ के जो 6 प्रिंसिपल्स थे उनको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था, ठीक है। कभी स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए दे देगा कि क्या जे एन टिकनर ने मॉर्गनथॉ के 6 प्रिंसिपल्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने नहीं, तो कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ मॉडिफिकेशन लिया था कि हाँ जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो सही हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें फेमिनिस्ट करेक्टर मिसिंग है और कुछ बातें आपने गलत लिखी हुई हैं, वो उसको मॉडिफाई करती है, तो कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करती, आपको ये बात याद रखनी है। इनका फेमस बुक हमेशा जो PYQ में आती है ज़्यादातर, जेंडरिंग आयर, या फिर जेंडर इन आयर, या फिर जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और फेमिनिस्ट वोएज थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो वो वोएज पे जा रही, कॉइन टिकनर जो है वोएज पे जा रही है, किसके साथ, मॉर्गनथॉ के साथ जा रही है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और बाकी ये 2 बुक्स तो फेमस है, इनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, जेंडर इन आयर और जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दोनों इसकी बुक है जे एन टिकनर। फिर ये जे एन टिकनर के 6 प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए थे, जो मैंने आपको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे PDF में डाल दिए हैं, तो आपको ये PDF मिल जाएगा, तब आप पढ़ लेना, या अभी वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, ईजी है और सबने पढ़ रखे होंगे ऑलमोस्ट, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। 6 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ रखा है तो याद कर लेना एक बार, मतलब कीवर्ड्स देख लेना। फिर फेडरिक हाइक जो है शिकागो स्कूल से बिलोंग करते हैं, इनका जो फेमस वर्क है वो है, शॉर्ट बुक लिखी थी इन्होंने, द रोड टू सर्फडम। ये हाइक की स्टोरी मैंने आपको जब मैंने आपको लिबरलिज्म वाला चैप्टर करवाया था तो उसमें करवाई थी, और मैंने पूरा नियो लिबरलिज्म, ठीक है, और लिबरलिज्म भी पूरा का पूरा सब कुछ मैंने आपको क्या करा हुआ है, आपको मैंने ट्रिक्स के साथ याद करा रखा है कि कौन से थिंकर किस में आते हैं। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म में कौन से थिंकर आते हैं, लैब से मैंने आपको क्लासी लैब होता है, अब लॉक, एडम स्मिथ और बेंथम,
फिर मैंने आपको मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर याद कराए थे कि एक मॉडर्न मिल है जिसमें जे एस मिल आता है, उसकी स्टोरी याद कराई थी। फिर न्यू लिबरलिज्म के भी थिंकर याद कराए थे, रॉबर्ट नॉजिक वगैरह, है ना। तो मैंने आपको सारे ऑलरेडी मैं आपको याद करा चुकी हूँ, उसमें एफ हाइक भी आते हैं, है ना, रॉबर्ट नॉजिक भी आते हैं और मिल्टन फ्राइडमैन भी आते हैं। तो ये क्या है, ये हाइक उन्हीं में से है, न्यू लिबरल्स में से, और इसमें रोड टू सर्वडम की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइट पे जाते हैं, हाइक मतलब मैंने आपको रिलेट किया था हाइट से, ठीक है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो एक रोड के थ्रू होते हुए जा रहे हैं, और सर्वडम मतलब क्या है, हमारी फ्रीडम से रिलेटेड, ठीक है। सर्वडम यहाँ पे सॉरी फ्रीडम नहीं, सर्वडम मतलब कि जब आप किसी को अपना स्लेव बना लेते हो, तो वो उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी कि कैसे कैपिटलिस्ट जो है वो बाकी वर्कर्स को अपना सर्फ बना रहे हैं। तो मैंने लेकिन आपको सिर्फ बुक के लिए पर्पज से याद करवाया था कि जो हाइट पे जा रहे हैं और हाइट पे जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरी कहानी जाननी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी लिबरलिज्म वाले चैप्टर का, आप जरूर से देख लेना, मतलब आपको लिबरलिज्म पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, फिर थिंकर्स और ऑड वन आउट भी आप कर पाओगे। देन कैपिटलिस्ट मार्केट मैकेनिज्म ऑफ फ्री इंटरप्राइज एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफर अ मॉरली सुपीरियर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी टू देयर सोशलिस्ट। तो ये रोड टू सर्वडम में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट मैकेनिज्म है, जहाँ पे फ्री इंटरप्राइजेस हैं, सप्लाई एंड डिमांड है, वो कैपिटलिज्म मैकेनिज्म ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा अच्छा है किससे, और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कराने का, टू देयर सोशलिस्ट, सोशलिज्म के लिए अगर हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज वे में कराना है तो कैपिटलिज्म जरूरी है। ये बात उन्होंने रोड टू सर्वडम में बोली थी। हाइक ने अपोज किया था, अब क्या चीज़ अपोज की थी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी अपोज किया था। अच्छा, आप मैंने ये थिंकर आपको कैसे याद रह सकता है, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म के जो थिंकर है वो क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि लिबरलिज्म को वापस लाना चाहते थे, क्लासिकल लिबरलिज्म को, है ना, रिवाइव करना चाहते थे। तो ये भी किसको सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, और बोलेंगे कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला क्लासी वाले और न्यू वाले दोनों सेम सेम आइडिया रखते हैं, बस मॉडर्न वाले ही हैं जो वेलफेयर की बात करते हैं, बाकी दोनों स्टेट के इंटरफेरेंस के खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ा अभी मैंने आपके सामने, वो आपको दिख रहा होगा ये जो स्टेटमेंट है कैपिटलिज्म के फेवर में है, राइट। तो इसलिए, और हाइक जो है न्यू लिबरल थिंकर है। देन अपोज्ड नियरली ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई उनको, क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को भी वो अपोज करते हैं, ठीक है। बट ही ऑल्सो रिजेक्टेड लेजिस्फेयर, लेकिन इन्होंने लेजिस्फेयर भी रिजेक्ट किया था, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो क्लासिकल लिबरल्स थे वो लेजिस्फेयर की बात करते थे, बट हाइक जो है वो न्यो लिबरल थिंकर है और लेजिस्फेयर को रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो स्टेट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंप्लीमेंटिंग एंड रिफरिंग मार्केट सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में जो स्टेट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वो स्टेट को पूरी तरीके से नहीं निकालते और पूरी तरीके से वो लेजिस्फेयर भी नहीं चाहते। लेजिस्फेयर होना चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाए और हमारे मार्केट पे इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है, तो पूरी तरीके से स्टेट को नहीं नकार रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन आता है, या तो आपको ये इसका ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने आपको ये बताया, कोड पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसा लिख देगा दो चार स्टेटमेंट और बोलेगा कि जो न्यू लिबरल है हाइक, तो वो लेजिस्फेयर का सपोर्ट करेंगे, तो लेकिन नहीं, वो रिजेक्ट करते हैं कि पूरी तरीके से लेजिस्फेयर भी नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इज अनदर बुक ऑफ हाइक ऑल्सो। मैंने ये बुक आपको ट्रिक से पहले ही याद करवा चुकी हूँ, सारी की सारी बुक्स मैंने क्रोनोलॉजी में ट्रिक से याद कराई थी हाइक की स्टोरी से, यू कैन वॉच दैट इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक आई मीन कैसीनो कैपिटलिज्म। दिस वॉज अ पीएचडी एंट्रेंस का एक एग्जाम हुआ था, उसमें कैसीनो कैपिटलिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या होता है कैसीनो, गए हो ना लोग कैसीनो में, क्या करते हैं लोग अपने पैसे लगाते हैं और जीतते हैं तो ठीक है, नहीं तो हार जाते हैं, सट्टा टाइप्स होता है ना। तो ये भी क्या है, कैसीनो कैपिटलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है जहाँ पे जो कि बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्या मतलब, टेम्प्ररी, कि जो वो खुशी होती है ना, जो आपने जीता पैसा वो आपने थोड़ी देर के लिए जीतते हो और फिर आप वो जीता हुआ पैसा फिर से सट्टे में लगा देते हो और फिर हार जाते हो, तो वो क्या हैप्पीनेस जो होती है वो टेम्प्ररी होती है, वॉलेटाइल, ठीक है। वैसे हम आईसीटी में भी पढ़ते हैं वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो वॉलेटाइल मतलब होता है टेम्प्ररी और अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो तो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी एकदम से दाम बढ़ भी सकते हैं, कभी नहीं भी, जैसे कैसीनो में जाते हैं लोग पैसे लगाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, और ये आपके फाइनेंशियल कैपिटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैपिटल कैसीनो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, इसका ओरिएंटेशन है, इसका डिपेंडेंस है लिफ्ट्स इन फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल में रेज आना। देन कॉन्टीजियन, कॉन्टीजियन का मतलब क्या है, कॉन्टीजियन का मतलब है टेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टर्स अलार्म्ड बाय द क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रिमूव मनी फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब इन्वेस्टर्स जो हैं जानबूझ के अगर एक
मान लो एक कंट्री में क्राइसिस आए, ठीक है, तो वो जान मुझ के क्या करेंगे, अपनी पैसा वहां से खींच लेंगे। अब जैसे इंडिया में भुखमरी आ गई, फेमाइन आ गया, तो जो यहाँ पे अभी तक इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपना पैसा यहाँ से निकाल लेंगे, राइट, अपना पैसा निकाल लेंगे। और वो अपना पैसा, उनको पता है कि फेमाइन आ गया, हमारा पैसा कभी भी डूब सकता है, तो इन्वेस्टर से अपना पैसा छीन के किसी दूसरी बी कंट्री में लगा देंगे जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टीजियन। इससे क्या होता है कि एक पैनिक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वेल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम। अब इनिशियल प्रॉब्लम मान लो इतू सी थी, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही इन्वेस्टर्स को लगा अच्छा इतनी सी प्रॉब्लम, वो सारे इन्वेस्टर्स से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया, तो इतनी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई, पूरे देश विदेश में बात फैल गई कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो चाहे वो प्रॉब्लम छोटी सी थी, वो सॉल्व भी हो सकती थी, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टीजियन की प्रॉब्लम। और कैसीनो कैपिटलिज्म का जो आइडिया हुआ सुजैन स्ट्रेंज का, इससे जो स्टेट होते हैं जो कैसीनो कैपिटलिज्म को जो अपनाते हैं, इससे जो स्टेट है और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और उनको ग्लोबल मार्केट के जो वेजरीज इन द सेंस जो क्या बोलते हैं नुकसान, ठीक है, या इम्प्लीकेशंस, वो फेस करनी पड़ती हैं। बाकी आपको सिर्फ ये इसका कैसीनो कैपिटलिज्म का मतलब समझ आ गया, कॉन्टेजियन का मतलब समझ आ गया कि इन्वेस्टर्स पैसा खींच लेते हैं और कैसीनो में वोलेटाइल होता है, फाइनेंस कैपिटल से रिलेट होता है इजी। और आइडिया याद रखना सुजैन स्ट्रेंज का है, ठीक है, तो उनको कैसीनो में खेलना बहुत स्ट्रेंज लगता था, यार कैसीनो में क्या ही खेलेगा अपना, स्ट्रेंज है बहुत, ठीक है, तो वो स्ट्रेंज वाला ऐसा ट्रिक हो गया। जॉन मैनार्ड केन्स, ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्रिटिसाइज करते हैं, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमी लिया होगा, आपने इनका नाम सुना होगा, इवन हमने 11th-12th में अगर इकोनॉमी होगी तो उसमें भी इनका नाम था कीन्स का, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। तो उनकी एक बुक थी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्रिटिसाइज किया था। दूसरे उनका जो बुक है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब कीन्स आपको याद रखना है कि कीन्स जो है वो इकोनॉमिस्ट है, और जो इकोनॉमिस्ट होगा वो हमेशा किसकी बात करेगा, इकोनॉमी की, इंटरेस्ट की, मनी की, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, स्पेशली इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात ना भी करे पर मनी की बात तो करेगा ना इकोनॉमिस्ट। और इनकी बुक के नाम में भी वो याद है, देखो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है तो आपको कीन्स से याद रखने हैं, प्लस मनी आ रहा है जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यहाँ पे मनी आ रहा है तो ये इकोनॉमिस्ट है कौन होंगे, कीन्स होंगे। देन इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा जो डिसिप्लिन था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे हमको दो बुक्स मिलती थी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th class में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने उसको एज अ फील्ड इस्टेब्लिश करने में कीन्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने लार्जेस्ट फेयर प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया था और मैनेजमेंट डिमांड की थी कि पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछा जाए पॉलिसी ऑफ डिमांड मैनेजमेंट किसने दी है, तो जॉन मेयर्ड कीन्स ने दिया है, जे एम कीन्स भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो कीन्स तो इनका नाम कीन्स के नाम से कैसे ये फेमस है। तो पॉलिसी ऑफ डिमांड मैनेजमेंट किसकी है, कीन्स की है। और इन्होंने एफर्ट्स किए थे, किस चीज़ में एफर्ट्स किए थे, ये भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रिटेन वुड सिस्टम इंक्लूडिंग IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके स्टैब्लिशमेंट में भी जब इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा था तब इनका ये इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे, उसमें अपना योगदान दिया था कि क्या पॉलिसीज आ सकती है, मतलब एक तरीके से एडवाइजर। हम ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को स्टैब्लिश किया या ये फाउंडर थे, नहीं, पर एज अ बहुत सारे लोग बैठे थे ना कॉन्फ्रेंस में कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, तो ही वॉज वन ऑफ देम, तो इनका भी आप ये रोल भी याद कर सकते हो, कभी पूछा जा सकता है। बाकी ज़्यादातर इनको ये दो बुक्स के लिए जाना जाता है और पॉलिसी ऑफ डिमांड मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है बस, और ये कि तीनों ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्रिटिसाइज किया था। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है जब हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों में एक बैलेंस बना के रखें जैसे इंडिया में है, तो उसको हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। सिंपल, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म को आपने सोशलिज्म आ गया तो कैपिटलिज्म को अबॉलिश कर दिया, नहीं, सोशलिज्म भी होगा कैपिटलिज्म भी होगा और उसके बीच में बैलेंस होगा, ये हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे है स्टेट कैपिटलिज्म भी होता है, रेशियल कैपिटलिज्म भी होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ दे रखे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन का होता है कि मार्केट रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना बेस्ड ऑन कमर्शियल एक्सचेंज एंड मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट अक्रॉस द इकोनॉमी एंड पॉसिबली सोसाइटी, अक्रॉस द इकोनॉमी या फिर सोसाइटी के अक्रॉस क्या करना, मार्केट रिलेशनशिप्स को और बड़े लेवल तक लेकर जाना कमर्शियल एक्सचेंज के बेसिस पे, और मटेरियलिस्टिक हमारी जो टेंडेंसीज होती हैं
उसके बेसिस पे या हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे। एडम स्मिथ अनदर इकोनॉमिस्ट, एक तो कीन्स इकोनॉमिस्ट आपको याद रखने हैं, दूसरा एडम स्मिथ याद रखने हैं। एडम स्मिथ से बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, तो कीन्स मैंने इसलिए आपको इकोनॉमिस्ट के नाम ट्रिक से याद करा दिए, क्योंकि एडम स्मिथ तो ऑलमोस्ट सबको याद ही रहते हैं। इनका वेल्थ ऑफ नेशन कितनी बारी पेपर में आ रखा है, यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा, ये लिखा वेल्थ ऑफ नेशन कितनी बारी पेपर में पूछा गया है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स, ये भी PYQ है, इनकी बुक मतलब इजी बुक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स में थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी, तो कभी पूछ लिया जाए कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एडम स्मिथ ने कौन सी बुक में दी थी, तो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स में दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था इस थ्योरी में कि हमें ह्यूमन का जो सेल्फ इंटरेस्ट है और उस जो सोशल ऑर्डर है अनरेगुलेटेड सोशल ऑर्डर, उन दोनों को रिकनसाइल करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचो, सोसाइटी के बारे में भी सोचो, ठीक है, सोशल ऑर्डर के बारे में भी सोचो। इन दोनों का अगर लिंक किया जाए, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन किया जाए, तब जाके मोटिवेशन आएगी, ठीक है। तो मोरालिटी आएगी बेसिकली। तो मोटिवेशन थ्योरी में उन्होंने ये बात की थी। वेल्थ ऑफ नेशन उनका पहला अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ द इकोनॉमी इन मार्केट टर्म्स, कि मार्केट में एक मार्केट पर्टिकुलर मार्केट में मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है, वो बताया था। और इन्होंने डिविजन ऑफ लेबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था वेल्थ ऑफ नेशंस में। फिर इन्होंने ये फ्री मार्केट थ्योरीज भी बोले जाते हैं, और ये लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट को भी लेकर अवेयर थे। मार्केट को सिस्टम को वो सपोर्ट करते थे, पर उसको पता भी था, उसको कह रही सॉरी एडम स्मिथ को भी पता था कि मार्केट की कुछ अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो फ्री मार्केट थ्योरिस्ट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो बोलते हैं कि फ्री मार्केट थ्योरिस्ट है, और दूसरी तरफ वो मार्केट की लिमिटेशंस को भी जानते हैं, तो एक अच्छा मतलब बैलेंस आउट बंदा था, दिस वाइज बंदा बोल सकते हैं, ठीक है। वो पूरी तरीके से ऐसे कट्टर वाला नहीं था कि हाँ वैसे फ्री मार्केट को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको ये भी पता था कि मार्केट में लिमिटेशंस है। तो एडम स्मिथ होगा हमारे, देन बात करते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन, अनदर फेमस थिंकर विच इज नॉट अ यूनिक वन, कॉमन थिंकर है जो बहुत पूछे जाते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए फेमस है, कोर पेरीफेरी के लिए फेमस है, और सेमी पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। देन इन्होंने न्यू मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस थे, और ये आर्ग्यू करते हैं मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम के बारे में। तो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में उनका सिस्टम कैसा था, वर्ल्ड सिस्टम वो कहते थे जो वर्ल्ड सिस्टम है वो मॉडर्न है और कैपिटलिस्ट है, और जो मॉडर्न और ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है वो वहाँ पे इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। क्या है? इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, किसके बीच में? कोर और पेरीफेरी के बीच में, और जो कोर हेगेमन्स है, डोमिनेंट पावर्स है। कोर क्या होता है? जहाँ पे डोमिनेंट पावर्स होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। पेरीफेरी क्या होता है? जो उन पे डिपेंडेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए, नॉट सर्वाइवल मतलब हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करते हैं इनके साथ, वो पेरीफेरी कंट्रीज होती है। पेरीफेरी का मतलब होता है नेबरिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज पे यानी कि कोर पे डिपेंडेंट हो, डोमिनेंट पावर्स पे डिपेंडेंट हो। देन ग्लोबलाइजेशन, ये तो वर्ल्ड चलो इनका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। अगर इससे कुछ यूनिक पूछना होगा तो वो क्या पूछ सकते हैं कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का क्या पर्सपेक्टिव दिया था वॉलरस्टीन ने। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरा ग्लोबल बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पे कुछ बात की होगी। वो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द डीपनिंग रेदर देन द वाइडनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट और सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन है वो हमारे डीपन होंगे, डीपन यानी कि और गहरे होंगे, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है ये किसका कोड था। तो डीपनिंग नहीं वाइडनिंग, वाइडनिंग नहीं डीपनिंग होंगे, ठीक है। डीपनिंग और वाइडनिंग में फर्क होता है। एक तो वाइड हो गया कि आपने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया, एक होता है डीपन, आपने अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। इज दैट वॉलस्टीन, और इसी चीज़ को उन्होंने वॉलस्टीन को क्या बोला था, वॉलस्टीन ने इसी लाइन को अपनी जो ये मुद्दा था डीपनिंग वाला, ग्लोबलाइजेशन डीपनिंग करता है, उसको उन्होंने कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग बोला था। तो ये भी पूछा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे मैंने सारा रब कर दिया यहाँ पे आपको ताकि ये अलग से दिख जाए। एक सेकेंड में हाईलाइट कर देती हूँ। कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग किसका टर्म है? वॉलस्टीन का। देन इन्होंने बात की थी, टर्मिनोलॉजी का भी यूज किया था, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज ऑफ क्लास एंड कमोडिफिकेशन। तो कमोडिफिकेशन जो टर्म अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप वॉलस्टीन मार्क कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्लास कमोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कमोडिफिकेशन ऑफ लेसन लेबर, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हर चीज को एज अ कमोडिटी ट्रीट करना, जैसे कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को हम एज अ कमोडिटी ट्रीट करते हैं। सो मेम का मतलब होता है कि जैसे किसी को परमानेंट लॉस दे देना, ठीक है, पूरी तरीके से, जैसे वो इस उनका किसी को ये बॉडी पार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है या फिर सीरियसली इंजर्ड हो जाना, वो सीरियसली, ठीक है।
तो वो मेम उसका मतलब है, ठीक है। तो वैसे ही उनके राइट टू मेम, जैसे एलजीबीटी क्यू को एक परमानेंट लॉस फेस करना पड़ता है, किस चीज़ का मेंटली उनको परमानेंट लॉस हो जाता है, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनको एज अ डिसेबिलिटी ट्रीट किया जाता है कि उनमें कैपेसिटी कम होगी, वो किसी डिएबिलिटी होगी, तो ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये उनकी बुक के टाइटल में देखने को मिला था जो उन्होंने इस बुक में बात बोली, ठीक है। और होमो नेशनलिज्म पे जसबीर कौर का काम है, जसबीर कौर ने जसबीर कौर, ठीक है। ये हो गई हमारी पंजाबी थिंकर, राहुल रॉय हमारे आ गए इंडियन थिंकर में। अदरिंग का कॉन्सेप्ट इनका है, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि अदरिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 268 पेज नंबर पे, ये मैंने आपको उसी टाइम समझा दिया था कि अदरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जिसने नहीं देखा पिछले एपिसोड देख सकते हो। और थर्ड सिर्फ इनके में और ज्यादा कुछ है नहीं, बस इनका ये है कि हाँ इन्होंने अदरिंग का कॉन्सेप्ट में ये मानते थे। और थर्ड वर्ल्ड प्रोटेस्ट की इन्होंने बुक याद कर लो, दो बुक्स है इनकी और कुछ याद नहीं करना, याद ना भी करो चलेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। थर्ड वर्ल्ड प्रोटेस्ट बिटवीन होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड। एंड दूसरी जो उनकी बुक है वो है आउट ऑफ द टाइम, द क्वीर पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिटी, आउट ऑफ द टाइम, द क्वीर पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिटी और द थर्ड वर्ल्ड प्रोटेस्ट। ये दो बुक राहुल रॉय की हैं, बस याद रहेगी तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। रॉबर्ट की हॉर्न, रॉबर्ट की हॉर्न का हम बहुत फेमस थिंकर, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी पढ़ते हैं हम इनकी, जो उन्होंने किसके साथ लिखी थी, जोसेफ नाई के साथ लिखी थी। ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनका फेमस बुक है, ठीक है, जो पेपर में आ रखी है, ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने रियलिस्ट एनालिसिस दिया था और अपने अजम्पशंस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, हम नॉन स्टेट एक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अब स्टेट ही हमारे लिए काम करेगा, स्टेट ही सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी देखेगा, अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशूज़ भी आ गए हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे NGOs, MNCs, ये सारी चीज़ें। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में इन्होंने बताया था कि इम्पोर्टेंस जो है इनकी बढ़ती जा रही है। पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, इस बुक में इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ नाई के साथ, ठीक है। तो बुक याद रखना, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, नाम में ही इंटरडिपेंडेंस आ रहा है तो आपको पता रह जाएगा कि हाँ इंटरडिपेंडेंस है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रॉबर्ट की हॉर्न और जोसेफ नाई का है, और बुक के नाम में भी सेम लाइन आ रही है। इसका सब टाइटल पूछ सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, क्योंकि जो फेमस बुक्स होती है उनका सब टाइटल भी पूछ लेते हैं। देन आफ्टर हेजेमनी, या हेगेमनी बोलो या हेजेमनी बोलो, एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। आफ्टर हेजेमनी किसकी बुक है, रॉबर्ट की हॉर्न की बुक है, जिसमें उन्होंने सिंथेसाइज किया था स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो जो उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बुक लिखी थी 1977 में, उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसको रिलेट किया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को उन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ रिलेट किया, कि कैसे एक कंट्रीज जो है आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के काम के प्रति, मतलब जो अगर आप यहाँ से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो और ये कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। देन उन्होंने मॉडिफाई किया था स्ट्रक्चरल रियलिज्म को और न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को, ठीक है, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या किए थे उन्होंने, मॉडिफाई किया था, आइदर और लिखा हुआ है वैसे तो, क्रिएटिंग अ हाइब्रिड डब आइदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चरलिज्म या फिर हम इसको न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोल सकते हैं। बाकी कौन सी बुक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर, पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर दूसरी बुक इनकी, तीसरी बुक सॉरी, पहली तो मैंने आपको ट्रांसनेशनल रिलेशन बताई थी, फिर पावर इन इंटरडिपेंडेंस है, तीसरी बुक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर, देन पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, पावर एंड गवर्नेंस इन द पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो कभी आफ्टर हेजेमनी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक, तो स्टेट पावर की बात कौन कर रहे हैं, या पावर देखो, तो पावर वर्ड आ रहा है ना ज़्यादातर, पावर पावर पावर, इनकी तीन बुक में तो पावर वर्ड ही आ रहा है, तो ज़्यादातर पावर वाली जो है रॉबर्ट की हॉर्न की आप एक मोटा मोटा तुक्का लेकर चल सकते हो कि कभी पेपर में आ जाए तो, ठीक है, पावर पावर और इनकी पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, और आफ्टर हेजेमनी भी फेमस बुक है PYQ है, तो ये याद रखना कि हेजेमनी के बाद क्या होगा। तो हेजेमनी के बाद जो कोहेन है, हेन से आप याद कर सकते हो, हेन हेन मतलब मुर्गी, तो एक मुर्गी थी, हेन थी, और वो क्या हो गया, वो ट्रांसनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चली गई। अब ये बहुत फनी सी कहानी है, सुन ला है तो सुन लो, नहीं तो स्किप करके नेक्स्ट थिंकर पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो मैं तो आपको बुक याद कराने के लिए बता रही हूँ कि जो हेन है वो क्या हुआ, हेन लिखा ना, हेन की हॉन बोलते हैं, की हॉन
को हेन बोलते हैं, सॉरी, तो हेन मतलब हेन, हेन मतलब मुर्गी, और इंडिया का वो ट्रांसनेशनल रिलेशन बनाने थे उसको, तो ट्रांसनेशनल रिलेशन बनाने के लिए वो इंडिया का बॉर्डर पार करके चली गई। वहाँ पे उसको पता चला कि हाँ मेरे पास भी बहुत पावर है, मैं मेरे पे लोग इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि मुर्गी पे इंटरडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि एक तो उनसे उसको अंडे मिलते हैं, प्लस वो चिकन बना के भी खा सकते हैं, तो वो इंटरडिपेंडेंट है। देन फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, अब वो अपनी बहुत सारी मुर्गियों को लेकर जाती है अपने साथ, और क्या करती है कि हम अपनी हेजेमनी क्रिएट करेंगे, हम ना मरेंगे नहीं, चिकन नहीं बनने देंगे अपना, और अपना इतनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे कि हम हेजेमन बन जाए। तो आफ्टर हेजेमनी, तो फिर आफ्टर हेजेमनी क्या हुआ, आफ्टर हेजेमनी उन्होंने अपने पावर, स्टेट पावर की लड़ाई करी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में घुस गई, और पार्शली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो था वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नेंस बनाई। मतलब बहुत इलॉजिकल था ये, ठीक है, लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक आप याद कर सकते हो, और बाकी पावर एंड गवर्नेंस रॉबर्ट की हॉर्न की है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि कौन सी बुक में उन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को सिंथेसाइज किया है, तो वो आफ्टर हेजेमनी वाली बुक में किया है। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कितनी बार पूछा गया है, देन द डायनेमिक प्रोसेस वेयर बाय इंटीग्रेशन इन वन पॉलिसी एरिया टेंड्स टू स्पिल ओवर इनटू अदर एरियाज एज न्यू गोल्स एंड न्यू प्रेशर्स आर जनरेटेड। जब एक चीज का असर दूसरी कंट्री में पड़ता है कि आपकी एक आपकी कंट्री की पॉलिसी में कुछ चेंज आया, तो उसकी वजह से बाकी जो दूसरी कंट्री थी उस पर भी इफेक्ट हुआ, चाहे फिर वो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है, तो उसको हम स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि हमने यहाँ पे किया लेकिन वो स्पिल होके क्या बाहर की जगह पे भी उस पर इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। और ये कब होता है, जब न्यू गोल्स और न्यू प्रेशर जनरेट होते हैं। इन इकोनॉमिक्स स्पिल ओवर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इम्पैक्ट एक्सपीरियंस वन रीजन और अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू एन इंडिपेंडेंट इवेंट अकरिंग फ्रॉम एन अनरिलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब कोई चीज़ इंडिया में हुई, फेमाइन इंडिया में आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में आया, और उसका असर बेचारी दूसरी कंट्री में कुछ हुआ भी नहीं था, अच्छे भली चल रही थी, उस पर भी पड़ गया, क्यों, क्योंकि उस वहाँ से इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया पे वो निर्भर थे। तो वैसा ये तो इजी कॉन्सेप्ट है स्पिल ओवर, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है, डेविड मिट्रियानी का कॉन्सेप्ट है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था, स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक में दिया था, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टेंड्स टू ब्रॉडन एंड डीपन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्पिल ओवर, स्पिल ओवर के प्रोसेस के थ्रू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो है और ज्यादा बढ़ती है, डीपन होती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि जब सब एक साथ मिलकर ये प्लेज करें कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम उस अटैक को सब पे माना जाएगा। अब ये कौन सा है, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि हमारे किसी भी नाटो के किसी एक मेंबर पे भी आप अटैक करते हो तो हम मानेंगे कि हमारे पूरे नाटो पे अटैक हुआ है और फिर सारी कंट्री मिलकर आपसे बदला लेंगी। तो प्लेज लेना देमसेल्फ्स टू डिफेंड ईच अदर कि हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ईजी है। अच्छा, एम्स ऑफ यूएन देख लेते हैं एक बार, जो उनके यूएन चार्टर में लिखे हुए थे। तो यूएन के एम्स है टू सेफगार्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोर्स ऑफ वॉर, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करना, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करना और सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को प्रमोट करना, और कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट यूएन चार्टर में मेंशन है। वुड्रो विल्सन वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्रो विल्सन का आपको पता है 14 पॉइंट्स प्रोग्राम, और इनकी जो बुक है वो है लीग ऑफ नेशंस 14 पॉइंट्स, द न्यू फ्रीडम एंड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल, तो ये दो बुक्स तो आ रखी है, लेकिन ये दो बुक्स भी उनकी मेजर बुक्स है, तो आप याद कर सकते हो द न्यू फ्रीडम एंड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल। तो वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, ये आइडियलिज्म के थिंकर हैं, और इन्होंने कु क्लैक्स क्लैन को डिफेंड किया था। कु क्लैक्स क्लैन मैंने आपको बताया था पिछली बार, कैब्राल ने भी इसको सपोर्ट किया था, और कॉलिंग ब्लैक अमेरिकन्स एन इग्नोरेंट एंड इंफीरियर रेस, और उन्होंने बोला था, मतलब ये देखो खुद इतने गोरे चुके हैं ना वुड्रो विल्सन, तो वो ऑब्वियसली ब्लैक्स को क्यों ही सपोर्ट करेंगे, तो बोलते थे कि जो ब्लैक अमेरिकन्स है वो बहुत इग्नोरेंट है, हमारे से ज़्यादा इंफीरियर है, और कु क्लैक्स क्लैन ऐसी क्लैन थी उस टाइम पे, एक ऐसा सोशल मूवमेंट चल रहा था यूएसए में जिसमें वो चाहते थे कि जो ब्लैक हमको जो वाइट है अमेरिकन में जो वाइट्स हैं उनको एक अपनी स्टेट मिलनी चाहिए, अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनका अपना खुद का सब कुछ होना चाहिए, एक अलग से सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। तो उसको उसी मुद्दे को वुड्रो विल्सन ने भी सपोर्ट किया था, ये कहीं आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसी एंड्रू हेवर्ड की बुक में ही मिलेगी ये बात, ठीक है। तो देन कॉस्मोपॉलिटन लिबरल इंटरनेशनलिज्म, बहुत सारे नोट्स में ये भी मेंशन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि जो विल्सन है, ठीक है, कांत की तरह विल्सन ने भी कॉस्मोपॉलिटन लिबरल इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट किया था, और इन्होंने रेसिस इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको उसके खिलाफ थे, तो रेसिस्ट थे ये खुद ही,
तो कॉस्मोपॉलिटन लिबरल इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है? वुड्रो विल्सन का है, कॉस्मोपॉलिटन लिबरल इंटरनेशनलिज्म। देन इंटर गवर्नमेंटलिज्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटलिज्म का मतलब है कि इंटरेक्शन अमंग स्टेट्स दैट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंस। एक ए नेशन है, एक बी नेशन है, दोनों ही आपस में सॉवरेन है, दोनों के पास ही अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं क्यों? इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ट्रीटी बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया FTA साइन करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करता है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, लीग और कॉन्फेडरेशन बनाई जाती है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटलिज्म का एग्जाम्पल है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, किसका एग्जाम्पल है? इंटर गवर्नमेंटलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें जो ऐसी जो बॉडीज बनाई जाती है इंटर गवर्नमेंटलिज्म का जो पार्ट होती है, ये एक उसमें एक प्रोसेस है जिसमें हम यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन विच ईच मेंबर स्टेट हैज अ विटो, जिसमें हर मेंबर स्टेट के पास एक विटो पावर होती है एटलीस्ट ओवर मैटर्स ऑफ वाइटल नेशनल इंपॉर्टेंस। ये सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटर गवर्नमेंटलिज्म एंड सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं हमारे UN, WTO, EU, ASEAN, IMF, ये क्या है? सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटलिज्म में हम सिर्फ किसका बात करते हैं? जहाँ पे हम बायलेटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, सॉवरेन इंडिपेंडेंस है, हर मेंबर के पास विटो है, किसके बेसिस पे? नेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। ट्रीटी और अलायंस जब हम बनाते हैं वो इंटर गवर्नमेंटलिज्म का पार्ट होता है। और सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रेटर ट्रांसफर ऑफ और लिमिटेशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी देन अदर काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी स्टेट सॉवरेनिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे सॉवरेन अपने अपनी जगह हम सॉवरेन होते हैं इंटर गवर्नमेंटलिज्म में, लेकिन सुपरा नेशनलिज्म में कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी इफेक्ट होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, कभी आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। बात करते हैं डेविड हेल्ट की। डेविड हेल्ट जो है हमारे कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबलिस्ट हैं, ये भी बहुत बारी PYQ में पूछे गए हैं अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए। देन डेमोक्रेटिक एंड कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी 1980s और 1990s में, 1980s में दी थी और 1990s के बाद से हेल्ट ने फोकस किया था ग्लोबल गवर्नेंस पे, कि कैसे डेमोक्रेसी जो है और जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो कैसे ग्लोबल लेवल पे स्केल अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो डेमोक्रेसी स्केल अप हुई है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म स्केल अप हुआ है, ये सब। तो आपको जो मैंने हाईलाइट किया बस उतना याद रखो कि कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबलिस्ट कौन है? डेविड हेल्ट, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन के थिंकर है। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड आ जाए डेविड हेल्ट, देन डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल ऑर्डर डेविड हेल्ट, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक लॉ डेविड हेल्ट। कॉस्मोपॉलिटन मैंने बोला ना, कॉस्मोपॉलिटन है, ग्लोबलिस्ट है, तो ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यू ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट दिया था, वुड टाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स। तो हेल्ट ले आउट हिज होप्स फॉर अ वर्ल्ड गवर्नमेंट बाय कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक लॉ। तो डेविड हेल्ट ने एक अपना लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला सॉरी, अ न्यू ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वुड टाई, एक हमें एक नया ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है, जो पुराना ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट है वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, ब्रिटेन वुड सिस्टम को ही वो एग्रीमेंट को ही चेंज करना चाहते थे। तो वो कौन थे भाई? वो फिगर थे डेविड हेल्ट। तो और वो चेंज क्या करना चाहते थे? कि वो टायर इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स, कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन है, जो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनको हमें अपने पॉलिटिकल गोल्स से लिंक करके देखने की जरूरत है, ठीक है, क्या उन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके हम पॉलिटिकल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें नया ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट लाने की जरूरत है। और उसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक लॉ, और ही कंटिन्यू टू आर्ग्यू फॉर ग्लोबल गुड ग्लोबल गवर्नेंस। तो गुड ग्लोबल गवर्नेंस की बात इन्होंने की थी डेविड हेल्ट ने। तो बस आप उनको ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके इनके सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो। ग्लोबल ग्रिड लॉक का सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ग्रिड लॉक डेविड हेल्ट ने दिया था, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में भी पेंशन है डेविड हेल्ट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ग्लोबल ग्रिड लॉक। एंड द अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म और रिप्लेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने बोला बहुत आज जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करें, उनमें रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। तो हमने जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो हमारे रिलेशंस जो है वो डीपन तो हो गए हैं, पर इसका मतलब हमने हर चीज़ को कमोडिफाई कर दिया, हर चीज़ को हम एज अ कमोडिटी देखने लग गए, अपने रिलेशन को भी एज अ कमोडिटी देखने लग गए हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वैसा।
द लैंग्वेज ऑफ क्लास एंड कमोडिफिकेशन जो उन्होंने टर्म था, वॉल स्ट्रीट वॉज क्रिटिकल ऑफ बोथ द मार्क्सिस्ट एंड सोशल डेमोक्रेटिक लेफ्ट, तो मार्क्सिस्ट के भी खिलाफ थे और जो सोशल डेमोक्रेटिक लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उनके भी क्रिटिसाइज करते थे. देन इनकी जो दूसरी बुक है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो सबको पता ही है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इनकी बुक का नाम है, जिन्होंने इसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी. तो इनकी बुक के नाम में ही वर्ल्ड सिस्टम आ रहा है, आपको याद रह जाएगा. तीन वॉल्यूम्स लिखी थी इन्होंने, तो ये भी हो सकता है कि कभी पूछ ले कि कितनी वॉल्यूम्स थी. तो तीन वॉल्यूम्स थी मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की, एक 74 में आई, एक 80 में आई थी और एक 89 में पब्लिश हुई थी. तीसरी वॉल्यूम 74, 80 और 89 को नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं. देन हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म एंड द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर वॉज अनदर बुक ऑफ वॉलरस्टीन. तो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इज फेमस बुक. दे कैन आस्क यू हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म किसका काम है, क्योंकि न्यू मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे. तो आप थोड़ा याद कर सकते हो कि अच्छा मार्क्सिस्ट आइडियाज वॉलरस्टीन में देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैपिटलिज्म की बात की होगी, ऐसा आप सोच सकते हो. और इनका वर्ल्ड सिस्टम भी तो क्या था, कैपिटलिस्ट था ना वर्ल्ड सिस्टम, तो हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म हो गया. देन डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर पे भी इनका बहुत काम है कि अमेरिकन पावर कैसे डिक्लाइन हुई. और इनके फ्रेंड थे फ्रांस फैनॉन, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आप समझ सकते हो कि जो फ्रांस फैनॉन के आइडियाज हैं वो आपको वॉलरस्टीन के आइडियाज में भी देखने को मिलेंगे, अबाउट रेस क्लास रेवोल्यूशन ये सब चीज़ें. सो डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, और ये पूछेंगे ना कि किसके कौन फ्रेंड था. ओके, तो दैट इज मोस्ट पोस्ट मटेरियल सोसाइटी ह्यूमन इंजीनियरिंग, ये बारी पढ़ लेना, मैं PDF दे दूंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्स सिक्योरिटी भी नहीं. बात करते हैं क्यूट थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो ये आजकल हमारे जैसे LGBTQ जो होते हैं उनमें बहुत चल रहा है ये मुद्दा, हमेशा आजकल ट्रेंडिंग में है कुछ सालों से, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं पिछले साल से, क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों बार से. तो सिंथिया वेबर का क्वेश्चन आ रखा है जैसे, तो सिंथिया वेबर एक तो हमारे यहाँ मैक्स वेबर, ये हमारी सिंथिया वेबर, ये दूसरी है. तो ये बात करती है वुमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है. अब ये क्यूर इंटरनेशनल रिलेशंस का इनका जो वर्क है वो किस पे है, क्यूर इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका वर्क है. इंटरनेशनल थ्योरी अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन किसकी है, सिंथिया वेबर की. तो इंटरनेशनल थ्योरी अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, वैसे IR थ्योरी में बहुत सारी बुक लिखी हुई है जिनका नाम शुरू ही यहाँ से होता है कि इंटरनेशनल थ्योरी. अब इसके अलग ये है कि इसका जो सब टाइटल है वो अलग है, क्रिटिकल इंट्रोडक्शन. तो वैसे मैं इसके लिए ऐसा सच कुछ है नहीं याद करने के लिए, तो बट आपको याद रहे जब तो ठीक है. ये आ सकती है I am an American फिल्मिंग द फियर ऑफ डिफरेंस. अब सिंथिया वेबर जो है हमारी, ऐसे कर लो कि आप डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने फिल्म बनाई है. और वैसे अगर आपको सिंथिया वेबर की फोटो याद रह गई तो आपको इस शक्ल से भी ऐसे डायरेक्टर जो होती हैं वैसे देखने को मिल रही लग रही होंगी कि ये फिल्म बनाती हैं, है ना. तो फिल्मिंग द फियर ऑफ डिफरेंस I am an American उन्होंने फिल्म बनाई, ऐसा आप याद कर सकते हो. देन क्वीर इंटरनेशनल रिलेशन, क्वीर इंटरनेशनल रिलेशन, सॉवरेनिटी, सेक्सुअलिटी एंड विल टू नॉलेज. जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, क्वीर वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये सिंथिया वेबर का होगा, क्योंकि सिंथिया वेबर जो है क्वीर थ्योरिस्ट है, ठीक है. क्वीर इंटरनेशनल रिलेशन, सॉवरेनिटी, सेक्सुअलिटी एंड विल टू नॉलेज. तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से उस टाइम निकाल सकते हो, मतलब याद तो नहीं करोगे लेकिन हाँ एलिमिनेशन के टाइम पे आप निकाल सकते हो कि सारे आपने क्वीर थ्योरिस्ट याद कर लिए, जैसे सिंथिया वेबर है, जसवीर कौर है, तो आपने दो थ्योरिस्ट याद कर लिए, राहुल रॉय, तो एक ही है वैसे तो. देखो ज़्यादातर दो, तो बाकी दो तो इंडियन थिंकर्स हैं. जो मेन थिंकर हैं जो वेस्टर्न से बिलोंग करती हैं वो सिंथिया वेबर है. तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है क्यूर थ्योरिस्ट में, सिंथिया वेबर, ठीक है. और बाकी जो ये इंडियन थिंकर्स हैं या ये तो पंजाबी हैं, तो इनका बहुत कम होता है, बहुत ही ना के बराबर की इंडियन थिंकर से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर IR में वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड ही आता है. फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इंडियन थिंकर्स है तो ऐसे तवज्जो तो देना चाहिए, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. अब जसवीर कौर जो है वो बात कर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है और पोस्ट कॉलोनियल क्वीर थ्योरिस्ट है, ठीक है. इन्होंने भी जेंडर सेक्सुअलिटीज और बॉडीज पे काम किया था जैसे सिंथिया वेबर ने किया था, सिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट पे. देन टेररिस्ट असेंबलेजेस, होमो नेशनलिज्म इन क्वीर टाइम्स, ठीक है. इनका उनका जो क्वीर वाली बुक है उनका स्टार्टिंग में क्वीर वर्ड आ रहा है, इसका सिंथिया वेबर का जो वर्क है ना क्वीर इंटरनेशनल रिलेशंस है. लेकिन यहाँ पे जो जसवीर कौर का जो वर्क है वो टेररिस्ट असेंबलेजेस है, होमो नेशनलिज्म की बात कर रही हैं. एंड द राइट टू मेन डिबिलिटी कैपेसिटी एंड डिसेबिलिटी, तो इनकी बुक का नाम भी है ग्रिड लॉक, वाई ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज फेलिंग व्हेन वी नीड इट मोस्ट. तो आपको अगर याद रहेगा कि ग्रिड लॉक का कॉन्सेप्ट डेविड हिल का है, तो उनकी बुक का नाम भी ग्रिड लॉक ही है. और दूसरा उनका जो जर्नल आर्टिकल उन्होंने लिखा था वो था एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड याद रखने हैं, एक तो ग्लोबल गवर्नेंस, एक कॉस्मोपॉलिटियन ग्लोबल गवर्नेंस, गुड ग्लोबल गवर्नेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ग्लोबल ऑर्डर हो गया, ग्रिड लॉक हो गया, ये सारे टर्म्स डेविड हिल से रिलेटेड है.
जहाँ पे आपको ये टर्म सीख रहे हैं, मतलब वो डेविड हिल्ट की बात हुई है, ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेटिक लॉबी। अब बात करते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्स की। जोसेफ स्टिग्लिट्स जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को और ग्लोबलाइजेशन को भी। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट उनकी फेमस बुक है, जो कि PYQ में आ रखी है, जोसेफ स्टिग्लिट्स की बुक है। कि उनको बहुत डिसकंटेंटेड, बहुत वो डिससेटिस्फाइड थे, जोसेफ साहब अपनी लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड थे, तो ग्लोबलाइजेशन से डिससेटिस्फाइड थे बेसिकली। तो ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट किसकी बुक है? जोसेफ स्टिग्लिट्स की बुक है। और ये जो थिंकर हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के खिलाफ है, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो डेविड हेल्ट का नाम आता है तो डेविड हेल्ट ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, सब कुछ फेवर फेवर फेवर, ठीक है। और जोसेफ स्टिग्लिट्स का नाम आता है तो अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो, डेविड हेल्ट और जोसेफ स्टिग्लिट्स जो है दुश्मन होगा एक तरीके से, ठीक है। वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है और स्टिग्लिट्स जो है उसके खिलाफ बोल रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को। देन उन्होंने बोलते हैं स्टिग्लिट्स जो आर्ग्यू करते हैं IMF के बारे में, कि जो IMF है वो एक हेल्प, वो डेवलप्ड वर्ल्ड में हेल्प करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट बैंकिंग और बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हेल्प करता है किसकी? डेवलप्ड वर्ल्ड की। देन टू एलिवेट पॉवर्टी, तो IMF का जो काम है वो पॉवर्टी एलिवेट करना नहीं है, कि भाई पॉवर्टी खत्म करना है डेवलपिंग नेशंस को हमें वो देना है फाइनेंशियल इंटरेस्ट देना है, नहीं। वो जो IMF है, IMF का झुकाव किसकी तरफ है? डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ है। वो उन्हीं के इंटरेस्ट को फोकस करता है और पावर्टी खत्म करने की बात नहीं करता, मतलब बात करता तो है लेकिन वो पावर्टी खत्म नहीं करता, ठीक है। तो उनका मेन मुद्दा जो है IMF का वो प्रॉफिट के लिए है। तो मैंने आपको बोला ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उन्होंने IMF को क्रिटिसाइज किया। देन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, इनकी दूसरी बुक, उसके अलावा जिसमें उन्होंने मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क में उन्होंने बताया था उनको ग्लोबलाइजेशन को अमेरिकनाइजेशन से लिंक किया था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से लिंक किया था, रोल बैक ऑफ डेमोक्रेसी, वाइडनिंग ऑफ डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज। तो उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिकनाइजेशन होने लग गया, कि मतलब हर जगह अमेरिका का बोलबाला हो गया, हम अमेरिका की चीज़ों को अडॉप्ट करने लग गए हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है इन्वायरमेंट पर बहुत असर देखने को मिला है। रोल बैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक जो टेंडेंसीज है डेमोक्रेसी पे भी प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है खत्म होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज है, मतलब इनइक्वालिटीज हैं, कि कोई कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप कर रही है और कोई कंट्री इतनी पुअर है, तो उसकी वो भी उसका भी कारण ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हर चीज़ का कारण। कल को इनको नींद नहीं आएगी तो ये बोलेंगे मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो मतलब हर चीज़ को उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से लिंक करा हुआ है, किसने? जोसेफ स्टिग्लिट्स ने। तो अगर जोसेफ स्टिग्लिट्स आते हैं मतलब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट हो रही है तो आप तुक्का मार सकते हो कि हाँ वो जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बोली होगी। दूसरी इनकी बुक है द रोरिंग 90s, ठीक है, रोरिंग 90s। देन क्योंकि वो इतना गुस्सा आ गया ना, इतना गुस्सा आ गया मतलब ग्लोबलाइजेशन से कि वो रोर करने लगा, एकदम शेर की तरह दहाड़ने लग गए, कि बहुत गुस्सा हो गए वो। फ्री फॉल उनकी बुक है जोसेफ स्टिग्लिट्स की। देन पीपल पावर एंड प्रॉफिट्स, प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म फॉर एज ऑफ डिसकंटेंट भी इनकी बुक है। इससे तो आप याद कर सकते हैं PPP और डिसकंटेंट। डिसकंटेंट अगर आपको ये वाली बुक याद है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, तो इनकी दूसरी बुक में भी एज ऑफ डिसकंटेंट भी इन्हीं की बुक है। दोनों मतलब डिसकंटेंट वर्ड ना ज़्यादातर सिर्फ जोसेफ स्टिग्लिट्स की बुक में और किसी बुक में मेंशन नहीं है ज़्यादातर, अगर हम देखें तो IRK थ्योरी में, तो ज़्यादातर बुक्स में अगर डिसकंटेंट आ रहा है तो वो जोसेफ स्टिग्लिट्स की बुक होगी, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे बेचारे ग्लोबलाइजेशन से। देन ये की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ग्रुपिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको मैं दे दूंगी PDF, तो आप पढ़ सकते हो कि जैसे अफ्रीका, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, जैसे अफ्रीकन यूनियन का पूछ लेंगे कब फाउंड हुआ, और उसके बाद फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। टेबल बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बस आप ये देख लेना कि नंबर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि थोड़ा सा 2023 का एडिशन तो है वैसे, अब एक साल में क्या ही चेंज आएगा, बस एक साल में जैसे अफ्रीकन यूनियन में पहले 54 थे, अब इसी एक साल में एक और मेंबर बढ़ा है, 55 मेंबर्स हो गया। तो 2002 में अफ्रीकन यूनियन बनी थी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस करके बनी थी ECOWAS। अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी थी IR में, और ECOWAS अभी चल रहा है मतलब करंट अफेयर्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ECOWAS कब बना था। तो ECOWAS बना था 1975 में, कितने मेंबर्स है? 15 मेंबर्स है। देन NAFTA 1994 में बना था, 3 मेंबर्स है। सारे याद नहीं करने, जो मैंने हाईलाइट किया है वो याद कर सकते हो। मर्कोसर पे बहुत सारे, बहुत बार PYQ आ चुका है, तो 1991 6 मेंबर्स है।
आशियान के एज यूजुअल 10 मेंबर है, 1967 बड़ा बना था। इन सब के आपको हेडक्वार्टर भी याद करने, जैसे आशियान का इंडोनेशिया जकार्ता में है, सात का काठमांडू में है, 1985 में बना था, सात मेंबर्स है। जीसीसी है, 81 में बना था, छह मेंबर्स है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी, छह मेंबर्स है। इको यानी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1985, तो सार्क और इको एक साथ बने हैं। फिर इसके बाद ईयू का फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयू बना है हमारा 1952 में, 27 मेंबर्स हैं इसमें। और नॉर्डिक काउंसिल की बात करें तो नॉर्डिक काउंसिल 1952 में है, आठ मेंबर्स हैं। नाटो 1949 में बना था, 28 मेंबर्स हैं। सो आज के लिए इतना ही, 48 पेजेस हमने कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 50, एंड 15 पेजेस और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।